अब पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? अब देखिए, जो यहाँ पे स्लाइसिंग होता है, यानी द टर्म ऑफ स्लाइसिंग, इसका मतलब यही होता है कि बड़े बड़े स्ट्रिंग से छोटे छोटे स्ट्रिंग को निकालना। बड़े बड़े यहाँ पे स्ट्रिंग है, बहुत बड़ा बड़ा, बड़े बड़े स्ट्रिंग से छोटे स्ट्रिंग को निकालना। मान लीजिए बड़ा स्ट्रिंग है और मेरा छोटा स्ट्रिंग है, तो बड़े बड़े स्ट्रिंग को छोटे मतलब छोटे स्ट्रिंग से निकालना या फिर सर्च करना, या निकालना या फिर यहाँ पे सर्च करना। तो यही हमारा होता स्लाइसिंग का मतलब, यानी बड़े बड़े स्ट्रिंग से छोटे स्ट्रिंग को निकालना या फिर सर्च करना। इसका डिफिनेशन लिखना, लिख लीजिए। देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग returns the character falling between indices n and m। अब स्टार्टिंग कैसे हुआ इसका, पूरा ध्यान देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्टार्टिंग एट n, n प्लस वन, n प्लस टू, अभी जाएगा टिल m माइनस वन, यानी स्टार्ट होगा n से, यानी एक 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 होगा यहाँ पे इंक्रीज, और अंत में जाएगा m माइनस वन। मैं बताऊँगा कैसे। अब देखिए इसका सिंटैक्स देख लीजिए, स्लाइसिंग स्ट्रिंग का यहाँ पे सिंटैक्स, स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी एंड, फिर यहाँ पे स्टेप वैल्यू आता है। अब यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने से हमें बढ़ना है, कितने से हमें बढ़ना है। अब देखिए, जो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू होता है, इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन होता है, यानी इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट इज वन। इसका मतलब यही हुआ कि बार 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 एक से बढ़ना, बार बार एक से बढ़ना, तो इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट इज वन। अब देखिए कैसे, देखिए एग्जांपल एक, ए इक्वल टू यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ए। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, अब हेलो वर्ड है ना, यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच ई डबल एल हेलो, स्पेस है डब्ल्यू ओ आर एल डी, अब देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हो गया। और इधर से हो गया मेरा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस पाँच, छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है चार, चार मतलब क्या हो गया यहाँ पे, चार माइनस एक, यम का वैल्यू यहाँ पर हो गया फोर। अब चार में से एक गया कितना हो गया तीन, यानी यहाँ पे तीन से स्टार्ट होगा। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि स्टार्टिंग होते n, n प्लस वन, n प्लस टू, यहाँ पे लास्ट होता है हमारा एंड होता है, एंड ये होता है। अब देखिए हमें निकालना है माइनस टू, यानी ये मेरा क्या एंड वैल्यू है एंड। अब यानी m इक्वल टू माइनस दो आ गया, अब यहाँ पे m माइनस वन करूँगा तो दो नहीं माइनस दो हो गया, m इक्वल टू माइनस टू, अब माइनस वन कितना हो गया माइनस थ्री हो गया, यानी ये हमारा प्रिंट यहाँ से होगा, ये हमारा हो गया तीन यहाँ से होगा। अब मैं निकालता हूँ स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू चार से होगा, यानी मेरा ये हो गया यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, तब इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट देखिए वो आ गया, स्पेस आ गया, और स्पेस आने के बाद डब्लू ओ आर आ गया, यानी यहाँ तक तीन, देखिए माइनस दो में से माइनस बन गया माइनस तीन, अब यानी तीन से उठाएगा यहाँ से। अब देखिए स्टार्ट क्या है, फोर है, तो एक दो तीन चार,
चैप क्या आ गया हमारा, ओ होगा, ओ आ गया। अब देखिए ओ हो गया माइनस, यहाँ माइनस कर रहा हूँ, स्पेस हो गया डब्ल्यू ओ आर, तो यही हमारा हो गया आउटपुट। एग्जाम्पल नंबर दो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अब आप लोग बताएंगे इसको, सेम एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट सिक्स। तब देखिए यहाँ प्रिंट क्या होगा, सिक्स पे क्या है मेरा स्टार्टिंग। अब देखिए W है, W ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। अब फिर देखिए सिक्स, यहाँ पे जीरो हो गया कोई बात नहीं, यानी ये मेरा हो गया W O R E L D, यानी यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं मतलब जीरो, तो मेरा प्रिंट यहाँ से हो जाएगा पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो है, एंडिंग मेरा क्या है, सिक्स है, यानी कि पहला मेरा जीरो है, यानी ये पूरा मेरा हो जाएगा प्रिंट इस साइड वाला, तो वर्ड और हेलो हो जाएगा प्रिंट, तो दिस इज आउटपुट। अब यहाँ देखिए इसका पूरा एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, जो लोग नहीं समझे होंगे फिर से एक बार समझ लीजिए। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग का एग्जांपल है, पहला मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन तीन, चार, पाँच। अब देखिए पहली बात यहाँ देखिए, ये बना हुआ है ना, ये ऊपर है फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड है, यहाँ पे दिया गया स्ट्रिंग हेलो वर्ड। अब देखिए पहला मतलब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आपको प्रिंट करना सिक्स और टेन। अब देखिए सिक्स पे क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सिक्स पे क्या है, डब्ल्यू है, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग। अब टेन है, टेन मतलब ये इक्वल टू टेन माइनस वन, क्या आ जाएगा नाइन, मतलब यहाँ तक W O R L, ये हो जाएगा इसका आउटपुट। आगे देखिए सिक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो, यानी पहला वाला सिक्स, और इधर क्या है जीरो है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिंट, जब यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब हो गया जीरो। थ्री देखिए यहाँ पे है, थ्री यानी थ्री क्या आ गया, यल आ गया, यल से स्टार्टिंग होगा। अब देखिए एंडिंग क्या है, माइनस टू, यानी यम इक्वल टू टू माइनस टू, माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री। अब माइनस थ्री पे आइए, यहाँ देखिए यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो W स्पेस W O R माइनस थ्री तक होगा प्रिंट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रिंट होगा, तो L O स्पेस W O R S T R। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट वाले कुछ नहीं है, मतलब जीरो, अब यहाँ पे जीरो है, यानी पूरा हो गया यहाँ पे प्रिंट, ये देखिए पूरा प्रिंट हो गया हेलो, बस।